या नहीं? यही इकलौती ख्वाहिश लेकर पला बड़ा हुआ करतार सिंह सराबा को अपना आदर्श मानता हूं और बाकी अपने आसपास इतना कुछ देख चुका हूं कि बर्फ की सिल्लियां और चमड़े के चाबुक मेरे इरादों को टिका नहीं सकते। कौन है आरआरआर के एक्चुअल डिजिटल पार्टनर्स, इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों, एसएस राजमौली की फिल्म आरआरआर जब से अनाउंस की गई है लगातार ये सुर्खियों में बनी रहती है किसी न किसी कारण के वजह से। जी हाँ, एक तरफ जहां इस पिक्चर में आपको जूनियर एनटीआर और रामचरण नजर आने वाले हैं, तो दूसरी तरफ बॉलीवुड का तड़का लगाने के लिए इस पिक्चर में आलिया भट्ट और अजय देवगन का भी अहम किरदार माना जा रहा है। एसएस राजमौली का ये प्रोजेक्ट एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट होने वाला है, जिसके लिए निश्चित तौर पर उनके तमाम फैंस काफी एक्साइटेड हैं। फिलहाल दोस्तों, आरआरआर से जुड़ी एक खबर सामने आ रही है। जी हाँ, फिल्म के प्रोड्यूसर ने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के डिजिटल राइट्स को करीब 325 करोड़ में पैन इंडिया लिमिटेड को बेच दिया है। दोस्तों, पैन इंडिया लिमिटेड ने खुद अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में इस बारे में जानकारी साझा की। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस पिक्चर को कई भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। Z5 प्लेटफॉर्म इसके साउथ इंडियन लैंग्वेजेस को स्ट्रीम करेगी, तो वहीं Netflix इंडिया इसके हिंदी वर्जन को स्ट्रीम करेगी। फिल्म को DVV एंटरटेनमेंट के अंतर्गत बनाया जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आरआरआर का ओवरऑल बजट करीब 300 करोड़ का होने वाला है। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिक्चर कितनी बड़ी आइकॉनिक साबित होने वाली है। दोस्तों, फिल्म के डायरेक्टर एसएस राजमौली इस प्रोजेक्ट के लिए काफी एक्साइटेड है, इसी वजह से वो पूरी सावधानी बरत रहे हैं कि फिल्म से जुड़ी कोई भी जानकारी मीडिया में लीक ना हो। एसएस राजमौली का रुतबा जहां साउथ इंडस्ट्री में सालों से था, तो वहीं बाहुबली की सक्सेस के बाद उन्हें ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे देश भर से प्यार और सम्मान मिला। इसी वजह से आरआरआर के लिए लोगों के मन में एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज्यादा है, क्योंकि एसएस राजमौली का नाम ही इतना बड़ा है। साथ ही इस पिक्चर में जूनियर एनटीआर और रामचरण भी नजर आने वाले हैं, तो डबल धमाका होना तो बनता है। आप सभी को क्या लगता है, क्या राजमौली की फिल्म आरआरआर उनके लिए वरदान साबित होगी? क्या उनकी ही फिल्म बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी RRR? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अपर्णा वत्स को दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को भी सब्सक्राइब करें, ताकि बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।